गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, बेस्ड है पशु परिचारक इंटरव्यू। और आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपको ऑलरेडी वेटनरी डॉक्टर रिलेटेड इंटरव्यूज दे रखे हैं, और आपको इवन अपने दोनों चैनल्स पर पीडी क्लासेस इंटरव्यू गाइड पर स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू स्किल्स के वीडियोस बहुत से अबंडेंट दे रखे हैं। उम्मीद है उन वीडियोस के द्वारा आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी रहे हैं। नहीं तो ये एक मॉक सेशन है। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पशु परिचारक इसके बारे में कुछ बताइए, फिर मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे इससे रिलेटेड पूछूंगा। यस सर, पशु परिचारक में सर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पशुओं की देखभाल इसकी परिवेश करे। ओके। और इसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खेतीबाड़ी और पशुपालन के क्षेत्रों में काम करे। ओके। यस सर, और पशु परिचारक का कार्य होता है पशुओं को सही टाइम पे आवास, चारा और साफ सफाई, पानी आदि की व्यवस्था समय पर करवाई जाए। ओके। यस सर, और समय समय पर पशुओं के रोगों की जांच करके पशुओं को सही चिकित्सक की व्यवस्था दी जाए। राइट। यस सर, पशु परिचारक अपने अपने ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपने ज्ञान को उपयोग में रखते हुए पशुओं को सही सवार कर सके। ओके। अच्छा ये बताइए मैं कि राजस्थान में वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है? श्री लालचंद कटारिया। ओके। और भारत में वर्तमान पशु मंत्री कौन है? श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ओके। अच्छा पशुपालन से आप क्या समझते हैं, क्या मीनिंग होता है इसका? सर, पशुपालन का मीनिंग होता है देखभाल और उनके लिए प्रबंध करना। okay. उनके गुणों और व्यवहार को विकसित करना, और आजकल सभी लोग पशुओं को अधिक अहमियत देते हैं। ओके। और पशुपालन से फायदे अधिक हैं और कमाई भी बहुत ज़्यादा। नहीं तो पशुपालन कितने प्रकार के होते हैं? सर, पशुपालन कई प्रकार के होते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन। yes. मत्स्य पालन और केंचुआ पालन। yes. और वन्य संवर्धन। yes. और जल कृषि, रेशम कीट पालन और कुकुट पालन। ओके। केचुआ पालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर, वर्मी कल्चर कहते हैं। ओके। अच्छा पशु किसान क्रेडिट कार्ड डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद कितने दिनों में मिल जाता है? सर, एक महीने में मिल जाता है। ओके। आपको कोई एक्सपीरियंस है जॉब का? यस सर। किस चीज का? सर, मुझे एक साल का एक्सपीरियंस है, गौशाला में मैंने चिकित्सक के साथ वर्क किया है। ओके। डॉक्टर्स के साथ, वेटनरी डॉक्टर्स के साथ। यस सर। चलिए तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा गौशाला में कितना लोन मिलता है गौशाला के लिए? सर, गौशाला के लिए 10 लाख का लोन मिल जाता है। वेरी गुड। आपकी एजुकेशन बताइए। मैं सर, मैंने 12th की है, फर्स्ट डिवीजन से पास की है। कौन से स्कूल से किया आपने? SK पब्लिक स्कूल से की। अच्छा आगे फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? सर, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, घर की कंडीशन सही नहीं थी, तो इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। ये मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके। आगे अगर पढ़ाई का मौका मिला आपको तो करेंगे आप? यस सर, मैं आगे पढ़ना चाहूँगी। ओके। अच्छा राजस्थान में टोटल गौशाला कितनी है बताइए? सर, 2314। गुड। और पशुपालन के जनक कौन है? रॉबर्ट बेकवेल। ओके। अच्छा ये बताइए जैसे आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है, क्वालिटी क्या है आपकी? सर, मैं ईमानदार हूँ, टाइम की बहुत पाबंद हूँ और अपना काम समय पर करती हूँ, और सभी जो भी मुझे कार्य किया जाता है उसके प्रति रूल को फॉलो करती हूँ। ओके। और आपकी कोई वीकनेस, कोई कमजोरी आपकी? यस सर, सर इंग्लिश ग्रामर थोड़ा मेरी वीक है, उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। ओके। तो आप अपनी इंग्लिश डेवलप करने के लिए वर्क कर रहे हैं? यस सर। चलिए अच्छी बात है, मैं फर्दर आपसे क्वेश्चंस पुट अप करता हूँ। ओके। नहीं तो पशुपालन के लाभ बताइए, क्या क्या लाभ है, कैसे हम लाभ ले सकते हैं? श्योर सर। सर, दुधारू से दूध की प्राप्ति होती है, पोल्ट्री से अंडों की प्राप्ति होती है, और मत्स्य और कुक्कुट पालन से मांस की प्राप्ति होती है। ओके। और जीव अपशिष्ट से खाद की प्राप्ति होती है। ओके। अच्छा कौन से पशुधन से सबसे ज्यादा धन कमाया जा सकता है? सर, बकरी से ज्यादा धन कमाया जा सकता है। और पशुपालन में मुख्य समस्या क्या क्या आती है? सर, पहले तो उनको रोग की समस्या हो जाती है सबसे ज्यादा, और गर्मियों में चारे की समस्या सबसे ज्यादा आती है। ओके ओके। अच्छा पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? सर, दूसरा स्थान है। ओके। अच्छा राजस्थान में पशुपालन की स्थापना कब की गई थी बताइए? सर, 1957 में जयपुर में स्थापना की गई थी, 1975 में
डेयरी का विकास हुआ था। ओके, डेयरी विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था 75 में जो आप बता रहे हैं, और 57 में जयपुर में पशुपालन की स्थापना आप बता रहे हैं। यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें ये बताइए, जैसे आप पशुपालन की तरफ आ रहे हैं, बहुत से डॉक्टर्स के साथ आपने वर्क किया, तो आपको डिजीजेस के बारे में पता है, ये जो एनिमल्स की जो डिजीजेस होती है इनका भी नॉलेज है आपको, बीमारियों के बारे में जानते हैं पशुओं की? यस सर, मुझे अच्छे से जानकारी है। ओके, आपकी हॉबीज क्या है, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? सर, फ्री टाइम में यही मैं पशुओं की सेवा करना, उनको चारा पानी इनकी व्यवस्था करना, और घर पे भी मैंने पशु जैसे कुत्ते बिल्ली वैसे अन्य जानवर पाल रखे हैं, उनकी सेवा में फ्री टाइम उनकी सेवा में लगाती हूँ मैं। ओके, तो मतलब ओवरऑल आप हर समय जानवरों के बीच में और पशुओं के बीच में ही रहते हैं, पेट एनिमल्स के बीच? यस सर। तो आपको पसंद है इनके साथ रहना? श्योर सर। ओके, नहीं तो हमें कुछ रीजन दीजिए कि हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ बहुत कैंडिडेट्स हैं जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और वो भी आपकी तरह चाहते हैं कि वो पशु परिचारक बने, तो हमें कुछ वैलिड रीजन दीजिए, आपकी कुछ क्वालिटीज या कुछ स्ट्रेंथ्स बताइए। यस सर। सर, मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकती, पर मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, टाइम की पाबंद हूँ, और मैं अपना काम समय पर करती हूँ, और मैंने पशुपालन में वर्क किया है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं डॉक्टरों पशुओं वाले डॉक्टरों के साथ भी वर्क किया है। yes. और मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। सर, मैं पशु प्रेमी हूँ और मैं पशुओं से बहुत अच्छे से प्रेम करती हूँ, और मेरी हॉबीज भी है, और मुझे अक्सर कोई मौका मिलता है तो मैं अपनी काबिलियत को दिखा सकती हूँ। बिल्कुल, आपको मौका मिलेगा डेफिनेटली। चलिए, मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? यस सर, मैं अपनी कमियों को जानूंगी और अब उस कमियों को सुधारूंगी और इसी पर दोबारा वर्क करूंगी और दोबारा इंटरव्यू में मैं आऊंगी। ओके, और अपने कॉन्फिडेंट है? यस सर। ओके, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है आपकी, आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा, आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दी, अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, यदि आप पशु परिचारक बनना चाहते हो और आपको लगता है कि ये इंटरव्यू आप फेस करें और आगे बढ़ें, ऑब्वियस है ऐसे कुछ इंटरव्यूज, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही होता है कि मान लीजिए कभी कभी वो आपको बोल देते हैं कि मान लो यार आप इस जॉब के लिए तो आ रहे हैं, मगर कल अगर आप और कोई कोर्स करके और कोई डिप्लोमा करके यदि आगे बढ़ना चाहें तो आप क्या करेंगे, क्या आप ये जॉब छोड़ देंगे अगर आपको कोई और जॉब मिलती है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप यही आंसर देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहना, सर मुझे ऐसा लगता है, सर मैं इस काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ, और यदि मुझे पशु परिचारक की नौकरी मिलती है और ये गवर्नमेंट जॉब है सर, यहाँ मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है, डेफिनेटली सर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि जो ऑनेस्टली मुझे आप जॉब दे रहे हैं तो मैं अपनी ऑनेस्टी नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल मैं ईमानदारी से यहाँ काम करूँगा, और मुझे लगता है अगर ईमानदारी से होल डे वर्क करूंगा और यहाँ पर मैं कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं लूंगा तो डेफिनेटली सर मुझे किसी और काम के लिए मौका नहीं मिलेगा, ना ही मैं किसी और एग्जाम के लिए कॉम्पीट या तैयारी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे आगे ही बढ़ना है तो मैं मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, मीन्स अगर मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं पशु परिचारक में ही अच्छा कार्य करके अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा, अपनी काबिलियत दिखाऊं और आगे बढ़ूंगा, तो मुझे लगता है सर ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट है। हाँ, अगर वो आपको बोलते हैं जैसे मैंने मैडम से पूछा था, नीतू से, कि आपकी स्ट्रेंथ बताइए, आपकी वीकनेस बताइए, तो बिल्कुल वो ये लोग आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो, अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट है तो आप कॉन्फिडेंट बताइए, मैडम की तरह अगर आप बोलते हैं सर आप ईमानदार है तो आप ईमानदार बता सकते हैं, कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, आप कुछ भी बताइए, मगर वो स्ट्रेंथ आपके अंदर झलकनी भी चाहिए, क्योंकि पशु परिचारक के लिए आप जा रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप बोल रहे हैं सर आई एम नॉलेजेबल या आई एम डिसिप्लिन्ड इन माय वर्क, तो आपको बोलेंगे ठीक है। अब यहाँ पर मैडम ने भी एक पॉइंट बोला था कि मैं डॉक्टर्स के साथ वर्क किया इसलिए मुझे डिजीज के बारे में पता है, अगर आप एक ऑर्डिनरी 10th पास पर्सन है और मैं आपको बोलूँ कि आपको डिजीज के बारे में पता है तो आप कहेंगे नहीं सर मुझे डिजीज के बारे में इतना नहीं पता, पर हाँ अगर मैं जॉब के लिए अवेल होता हूँ तो डेफिनेटली सर धीरे धीरे नॉलेज गेन कर लूंगा, मीन्स आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और इंटरव्यू को इम्प्रेस करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, स्पेशली नीतू, कीप इट अप। थैंक यू सर।